वेलकम टू बैक हमारे यूट्यूब चैनल उमर इलेक्ट्रिक में आपको खुश आमदीद। आज हम आपको बताएंगे कि सीलिंग फ़ैन की मोटर किस तरह से खोली जाती है। नहायत ही सिंपल और आसान तरीका है, सिर्फ आपके पास औजार होने चाहिए जिसमें पुल और पेचकस और एक प्लायर की ज़रूरत है। डियर फ्रेंड्स, ये फ़ैन है, इसमें ये लॉक लगा होता है, लॉक के साथ एक पेच होता है जो कि राड और उसकी चूड़ी के दरमियान में लगाया जाता है। ये जो फ़ैन है, इसके दोनों बैरिंग जो वगैरह हैं वो जाम है, जिसकी वजह से मोटर जो है सर्कुलेट नहीं करती। तो इसके हम बैरिंग चेंज करेंगे, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ ये बताया जाएगा कि सीलिंग फ़ैन की मोटर को किस तरह से खोला जाता है। टेर वीवर्स, इस तरह से इस पेज को भी खोल लेना है। लॉक निकालने के बाद पेज खोल लेना है। पेज के बाद ये जो तीन पेज हैं मेन मोटर के, वो आपने खोलने हैं। ये तीन पेज, उसके बाद ये मोटर है, और मोटर में जो इसकी बैक साइड पे चूड़ी इसकी दी होती है, ये पुलर है। पुलर के साथ जो है तीन सेट, छः सेट जो है गोटियों के होते हैं, जिसकी जो चूड़ी इसके साथ मैच करती है। जो गोटी इसमें एडजस्ट हो उसी को लगाए, अगर इससे बड़ी लगाई गई या छोटी तो लगेगी ही नहीं। अगर आप बड़ी चूड़ी वाली गोटी को आप लगाते हैं तो इस तरह से आपकी मोटर की जो बॉडी है वो क्रैक हो सकती है। डियर फ्रेंड्स, इसमें आप चार नंबर जो गोटी है पुलर की, वो इसकी हम लगाएंगे और मोटर की जो बैक प्लेट है उसको खोल लेंगे। याद रहे कि जब भी आप सीलिंग फ़ैन की मोटर खोलने लगते हैं तो अगर आपकी कूलर जो है ज़्यादा आप उसको अगर ज़ोर देते हैं तो इसकी मोटर वगैरह जो होती है प्लेट वो देगी की होती है। तो ये आपके सामने मोटर की जो बैक प्लेट है वो खुल गई है, और इसका जो रूटर है आपको सामने नज़र आ रहा है। इस तरह से ये पोलर जो है पोलर खोल के इसकी गोटी निकाल लेनी है। और जो गोटी आपने पोलर से निकाली है उसको वापस इस तरह से एडजस्ट कर दें। और अब फैन की ये प्लेट, इसमें ये बैरंग की जगह है, यहाँ पे बैरंग फिट होगा और ये बैरंग इसमें चलता है। बैरंग इसके हम चेंज करेंगे। बैरंग के साथ इसकी वाइंडिंग भी हीट हुई है तो इसके बैरंग भी चेंज हो गए, और इसकी वाइंडिंग जो है वो भी दोबारा से होगी। इसकी अब जो प्लेट है ऊपर वाली और राड जो है वो खोलेंगे। इसका हम पहले से राड लूज कर लेंगे, उसके बाद जो है ऊपर वाली प्लेट को हम निकालेंगे ताकि आसानी से प्लेट भी निकल जाए और जो राड है वो भी हमारा अलग-अलग से खुल जाए। ये इस तरह से आपने जो इसका रोटर है रोटर से आपने खोल लेना है, और ये प्लेट आपकी आराम से निकल आए।
डेयर व्यूअर्स, ये हमारा राउंड खुल गया और ऊपर वाली प्लेट भी इसकी खुल गई और ये जो रूटर है वो अलहदा हो गया। इसमें भी ऊपर बैरिंग होता है और बैरिंग की जगह बनी हुई है और बैरिंग आप आसानी से इसका चेंज कर सकते हैं। ये इसका बैरिंग और ये बैक बैरिंग है, बैरिंग दोनों चेंज होंगे और इसकी जो वाइंडिंग है वो भी रिवाइंड होगा। ये इसकी रनिंग जो है, स्टार्टिंग जो है बिल्कुल लीड हो चुकी है, तो इसको खोलते वक्त थोड़ी या चार जो स्क्रू है वो इस्तेमाल ना करें। ये रोटर जो है इसमें गोटियाँ दी हुई होती हैं, इसके पुलर के साथ इसकी प्लेट को खोलें ताकि जो आपका सीलिंग फैन की बॉडी वगैरह है वो स्क्रैच ना हो। ये इसमें चूड़ी की जगह बनी होती है और इसमें गोटियों का अलग-अलग साइज़ होता है, अलग-अलग